नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के। मन नी मन गीतिया अब गावे गवैया लोग, किनी मन गीतिया लिखस गीतकार। कि आज तक इनके कलम से अश्लील गीत नहीं लिखा गया, अश्लीलता के लिए झुके नहीं, और आज सलील गीत ही लिखते हैं। तो आज इनसे हम एक क्वेश्चन करेंगे कि आपके पास भी बहुत सारा ऑफर होगा, आप ऐसा गीत लिखिए, वैसा गीत लिखिए, आपने लिखा नहीं, और भोजपुरी के सम्मान के लिए इतने बड़े कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी हौसला आपको कहां से आया? सबसे पहले मैं CM इंडिया के चैनल से आप सब जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि भोजपुरी हमारी मातृभाषा है। इस जनपद में, इस मिट्टी पर हम पैदा हुए हैं, और हम सबका फर्ज बनता है कि अपनी मतारी भाषा को हम अमलीजामा ऐसा पहनाएं कि हमारी माँ हम पर गर्व करे। पुत्र होने के नाते चाहे हम गीतकार हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे गायक हों, या किसी तरह से इस क्षेत्र में सेवा कर रहे हों, हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि मैं अपने माता के प्रति सलील शब्दों का प्रयोग न करें। क्या हमारी विरासत यही है, हमारी परंपरा यही है कि हम अपने गंगा जैसे पवित्र भाषा, पवित्र विरासत को गाली से, गलौज से, जातिवाद को परोस करके इसका मान और सम्मान को झुकाएं? मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ऐसे ऐसे जो भी कलाकार हैं, चाहे कोई भी हो, अगर भोजपुरी के मान सम्मान से कोई खिलवाड़ करता है, उसका डटकर विरोध होना चाहिए, और समाज में अच्छी प्रचार, अच्छा प्रसार, अच्छा गीत, अच्छा गायन, अच्छी प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए, जिससे इस समाज का, उन लोगों का हौसला बुलंद हो। और एक चीज यहाँ रोकेंगे हम आपको कि भोजपुरी में लाख प्रयास के बाद भी देखा जा रहा है कि अश्लील गीतों का भरमार है, ट्रैक्टर पर बज रहा है, यहाँ तक कि शादी विवाह में भी सुनने को मिल रहा है, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? देखिए, जहाँ तक अश्लीलता की बात है, तो ये अपना एक संस्कार भी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।